रायबरेली के मेरे प्यारे बहनों भाइयों, नमस्ते। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आने वाली 23 तारीख को आपकी पांचों विधानसभाओं में वोट डाले जाएंगे। यह चुनाव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि आपने 5 साल ऐसी सरकार देखी जिसने आपके बीच अलगाव पैदा करने के अलावा कुछ काम नहीं किया। मेरे किसान भाई बहन, इतनी मेहनत से देश के लिए अन्न उगाते हैं, इन 5 सालों में आपको ना तो फसलों का दाम मिला, ना खाद मिली और ना ही सिंचाई की सुविधाएं। आपके ऊपर कर्ज का बोझ है और आवारा पशु आपकी फसलों बर्बाद कर देते हैं। ठीक यही हाल नौजवानों का है। नौजवान अपने आने वाले कल के लिए मेहनत से पढ़ाई करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने आपको घर बिता दिया। सरकारी नौकरियों के 12 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन आपको नौकरियां नहीं दी गई। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम लोगों के घर चलाना मुश्किल हो गया है। मेरी बहनें पाए पाए जोड़कर अपना घर परिवार चलाती है, लेकिन महंगाई ने उनका जीवन दुबर कर दिया। बहनों भाइयों, आपने हाल में ही कोरोना का कठिन समय देखा है। एक तरफ आपको ऑक्सीजन, दवाइयाँ और अस्पताल में बेड नहीं मिले, अपने प्रियजनों को खोया है जिनके लिए वही एकमात्र सहारा थे। दूसरी तरफ लॉकडाउन में आपके काम धंधे बंद हो गए। आप सबने मीलों पैदल सफर करने की पीड़ा खुद झेली है, मगर मोदी योगी सरकार ने एक गैर जिम्मेदार सरकार का परिचय देते हुए आप सबकी तकलीफों के बावजूद मुंह मोड़े रखा और आंखें बंद रखी। इतना ही नहीं, लॉकडाउन में आप लोगों के प्रति उनका व्यवहार ठीक वही था। सरकार ने आपको कोई राहत नहीं दी। आपने देखा होगा कि सरकार ने आपका बोझ हल्का करने की बजाय आपकी मेहनत से बनाई गई सरकारी कंपनियों को कौड़े के दाम अपने चहेतों को बेच दिया, लिहाजा बेरोजगारी काफी बढ़ गई। हम आपके क्षेत्र के लिए कई विकास योजनाएं लेकर आए थे, लेकिन मोदी योगी सरकार ने उन सभी पर रोक लगा दी। रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। आपने कांग्रेस की राजनीति देखी है। कांग्रेस की राजनीति सेवा की और आपको अधिकार देने की है। हमने मनरेगा जैसे कानून बनाकर आपको रोजगार का अधिकार दिया, जिसे आप अपने जीवन बेहतर बना सके। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसे संकट के समय नरेगा का बजट बढ़ाने के बजाय कम कर लिया गया। कांग्रेस ने लॉकडाउन के दौरान भी सेवा की राजनीति की।
आप घरों से दूर फंसे थे, आपको घर पहुंचाया। जितनी भी आपकी मदद हो सकती थी हमने पूरा प्रयास किया। सेवा और अधिकारों की राजनीति के रास्ते पर चलते हुए ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक नए राजनीति का विजन लेकर आए हैं। इसमें युवाओं को रोजगार, महिलाओं को अधिकार, किसान बहनों भाइयों को सुविधाएं देने का और आम जनों को महंगाई से निजात दिलाने की योजना है। हमने महिलाओं के लिए शक्ति विधान, युवाओं के लिए भर्ती विधान और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उन्नति विधान तैयार किया है। मुझे खुशी है कि प्रियंका ने इस बार 40% टिकट महिलाओं को दिए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। जनता के हक की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे 18,000 कार्यकर्ता जेल भेजे गए। बहनों और भाइयों, मैं अपने आप को आपके परिवार का एक अटूट हिस्सा मानती हूँ। हम आपके जीवन को बेहतर बनाने वाली राजनीति के प्रति समर्पित हैं। हम आपको ऐसा विधायक देना चाहते हैं जो दिन रात आपके लिए काम करें और आपको मजबूत बनाने वाली योजनाएं बनाए। इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत कीजिए और अपने भविष्य के को बेहतर बनाने वाली राजनीति चुनिए। रायबरेली के हमारे सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताइए। जय हिंद।